संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ, जिसमें जन्मभूमि महू से लेकर चैत्य भूमि मुंबई तक शामिल है, इन सभी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। साथ ही बाबा साहेब की जन्मस्थली पर यात्रियों के रुकने के लिए धर्मशाला का भी निर्माण किया जाएगा। पूरा देश आज विश्व का सशक्त और मजबूत भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उनको याद किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि पंच तीर्थ, जिसमें जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैतन्य भूमि मुंबई शामिल है, इन सभी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। अब लोग बाबा साहब के जीवन से जुड़े इन सभी स्थानों के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कई दिनों से बाबा साहब की जन्मस्थली पर एक अच्छी धर्मशाला की मांग थी, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी देश विदेश से आते हैं, उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन अब भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला बनाई जाएगी। हमने पहले भी इसके लिए प्रयास किया था, पर महू में सेना की जमीन होने के कारण हमें जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब सेना की एनओसी मिल चुकी है। मित्रों, आज भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और हमने ये फैसला किया है कि पंच तीर्थ, जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि जहां अंतिम संस्कार हुआ मुंबई। मुझे कहते हुए गर्व है कि महू में अगर बाबा साहब का स्मारक बनाने का सौभाग्य मिला तो हमें मिला। पंच तीर्थ का निर्माण और वहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उसके लिए उनके मार्गदर्शन में काम हुआ और मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमने तय किया है कि इन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ दिया है, पंच तीर्थ में से एक तीर्थ है लंदन, तो पांचों तीर्थों को जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से संबंधित है, तीर्थ यात्रा के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। कई दिनों से वह मांग थी, स्मारक तो हमने बना दिया, लेकिन वहाँ कोई एक अच्छी धर्मशाला, क्योंकि जब उनके अनुयायी आते हैं, प्रदेश के बाहर से बड़ी संख्या में आते हैं, पहले आते थे तो रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं रहती थी, स्टेशन पर उतरते थे और अपने हाथों में सामान लेके अपना भोजन भी साथ लाते थे। तब हमने कई वर्षों पहले तय किया था कि डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होगा, आने वाले सभी जो श्रद्धालु है उनकी बेहतर व्यवस्था करेंगे। तब से हमने करना प्रारंभ किया और अब चूंकि महू की जमीन हमारी सेना के पास थी, वहाँ और कोई जगह मिल नहीं रही थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेना की एनओसी मिल गई है 3.5 एकड़ जमीन के लिए। उस 3.5 एकड़ जमीन को हम संबंधित समिति को लीज पर देके डॉक्टर बाबा साहब मेमोरियल समिति को वहाँ भक्तों के, श्रद्धालुओं के रुकने की, ठहरने की और जो आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ करनी हो समिति के साथ मिलके वो भी की जाएगी।
आज मैं फिर एक बार बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो संविधान निर्माता है और हम सब संविधान के अनुसार शासन चलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ ने रोजा इफ्तार पार्टी में कहा था कि मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों की संख्या घट रही है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, आप चुनाव के समय क्यों जनता को डरा रहे हैं, क्यों आप प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इन्हीं हरकतों की वजह से प्रदेश की जनता ने इन्हें नकारा है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, चाहे श्री कमलनाथ जी हों और चाहे श्री दिग्विजय सिंह जी हों, कल दिग्विजय जी बोल रहे थे कि मुस्लिम की संख्या घट रही है, कमलनाथ जी ने रोज अवतार में बोला कि दंगे भड़क रहे हैं। दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, ये चुनाव के समय एक कह रहा दंगे भड़क रहे हैं, एक कह रहा संख्या घट रही है, क्यों डराना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपके इरादे क्या हैं? मुझे अजीब लगता है कि इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में की जा रही है, जो सर्वथा शांत प्रदेश है, शांति का टापू है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक।